हैदराबाद में जैसा कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मुझे उस तरीके की सपोर्ट मिली, बहुत मैसिव सपोर्ट मिली है। फर्स्ट टाइम मैंने ये फूड स्टॉल शुरू किया है बीइंग अ फीमेल। हैदराबाद में फर्स्ट टाइम इस तरह किसी लेडीज का स्टार्टअप है एक फूड स्टॉल का, तो चेक करते हैं इन्होंने जो डिश इंट्रोड्यूस कराई है बरिटोस की, वो कैसी है और भी इनके बारे में इंट्रोडक्शन लेते हैं। मेरा नाम मिशा शेख है और ये आप इस वक्त मेरे फूड स्टॉल देख सकते हैं, यमी एंड टमी के नाम से मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पे मैंने मैक्सिकन बरिटो इंट्रोड्यूस करवाया है। तो इस फूड स्ट्रीट पे काफी सारे वैसे फूड स्टॉल मौजूद है, तो यहाँ पे एक न्यू स्टॉल दोबारा एक न्यू स्टार्टअप शुरू किया गया, तो देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है और फिर इसके बारे में फीडबैक देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि फूड स्ट्रीट है पूरी, यहाँ शवारमा और एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे शवारमा भी है मेरे पास, लेकिन लोग अरेबिक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, मैंने इस लाहौरी शवारमा इंट्रोड्यूस करवाया जो कि तवा चिकन शवारमा है। साथ ही मैंने मैक्सिकन बरीटो इंट्रोड्यूस करवाया है जो हैदराबाद में अभी तक कहीं पे भी नहीं है। देखिए मुझे तो है खाने से मतलब, लेडीज बनाए हैं और अच्छी बात है, लेडीज काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है और देखने में भी काफी हैवी लग रहा है, अच्छा है देखने के साथ। अच्छा ये है इनका बरीटो, मैक्सिकन बरीटो, जो कि इन्होंने इसकी प्रेजेंटेशन भी काफ़ी अच्छी करके दी है और मैं फर्स्ट टाइम इसको ट्राई करूँगा। एक्चुअली मैंने तो नाम भी फर्स्ट टाइम ही सुना है अगर मैं बताऊँ तो लेट्स सी कि कैसा है ये, और दिखने में काफ़ी हेवी लग रहा है, इसके प्राइस भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको ट्राई करेंगे, लेट्स सी आगे चेक करते हैं। वैसे लोग ज़्यादातर शवरमा के नाम से वो खाते हैं मशहूर, लेकिन एक्चुअली में इसका टेस्ट शवरमे से थोड़ा सा डिफरेंट है। टेस्ट के हिसाब से इसका जैसा नाम है वैसे टेस्ट है। एक चीज़ जो डिफरेंट इसमें मैंने नोट करी है वो ये है कि इनकी ब्रेड थोड़ी डिफरेंट है, ये नॉर्मल शवरमा जो ब्रेड होती है उससे काफ़ी अलग है, थोड़ा सा घर का टच भी है जो घर की रोटी होती है। ये बरीटो है जो कि टॉर्टिया में बनता है, ये बेक होता है, अक्सर लोग इसको चपाती बोल के समझ रहे होते हैं कि ये चपाती है, तो ये चपाती नहीं, ना ये पराठा रोल है, ये बरीटो है और ये एक अलग से इसकी रोटी बनाई जाती है। अगर आप उसके बारे में सर्च करके देखेंगे तो ये टॉर्टिया होता है। अच्छा है, जैसा मैंने आपको बोला था हैवी भी है, दिख रहा होगा आपको, और फिर एक तो स्पाइसी बहुत है, काफ़ी ज़्यादा मिर्ची इसमें, सबसे काफ़ी अलग है, और इसकी जैसे गाजी भाई ने बोला कि रोटी, ये तो रोटी लग रही है खैर, लेकिन जो भी है अच्छा है। यार ये बरीटो मुझसे खुल गया है, मैं सोच रहा हूँ उसको रोटी से लगा के खा लूँ। काफ़ी बड़ा था वो, हाथ से एकदम खुल गया। अच्छा जी, तो ये रैप बाजंगे खोलने के बाद मैंने इसके अंदर कुछ चीज़ें डिस्कवर करी जो कि इसका टेस्ट दोबारा कर रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, चिकन के साथ साथ डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं और कुछ सॉसेस हैं, क्योंकि ऐसी बात नहीं कि स्पेशल रेसिपी होगी, तो काफ़ी सारा मटेरियल है, नहीं अगर आप खाएंगे तो वाकई एंजॉय करेंगे। बीइंग अ फीमेल काम करना, आई थिंक आप एक रोड पे खड़े होकर काम कर रहे हो या ऑफिस में जाके काम कर रहे हो, आपको चैलेंजेस तो फेस करने ही पड़ते हैं, तो चैलेंजेस यहाँ आते हैं, पर ऐसे कोई नहीं आए कि मैं बोलूँ कि मैं अभी यहाँ पे काम करते हुए, मुझे अब तकरीबन 20 से 25 दिन हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स है लोग, ऐसा मतलब कस्टमर्स की तरफ से या यहाँ के लोगों की तरफ से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे। इनके पास जो बरीटो है वो है, उसके प्राइस है 250 के, और जो इनके पास शवरमा है वो है 150 का। नॉर्मली जो यहाँ पे चलते हैं ना इस स्ट्रीट के ऊपर, अगर आप किसी भी शवरमे के बोलेंगे रेट तो आपको 120 नॉर्मल जो होता है, 120 से कम नहीं मिलता, 100-120 के बीच होता है। 150 ये ले ज़रूर ले, लेकिन मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ इस पूरी स्ट्रीट में मैंने इनके शवरमे चेक करा, मैं सबसे बेहतरीन जो मुझे लगा है ना ये वाला, खाते ही इसका टेस्ट बिल्कुल अलग लगा, डिफरेंट लगा, और फुल अरबिक इसका वो लग रहा है लुक, तो एकदम आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। अल्लाह देखो बरीटो के बाद ही जो शवरमा मैं टेस्ट कर रहा हूँ, इसका टेस्ट भी काफ़ी डिफरेंट है, और जाहिर सी बात है शवरमा तो उसके सभी अच्छे खासे टेस्ट करते हैं, लेकिन ये वाकई कमाल का। अच्छा
मेरे ख्याल से और भी लोगों को जो मतलब ऐसी खवातीन है जो जिन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया है जो अपने घर से काम करना चाहती है लेकिन हिम्मत नहीं है उनकी होती, तो मैं चाहती थी कि मैं लोगों की हिम्मत बन के सामने हूँ और वो फिर मेरे साथ काम कर सकें। यार शवरमा इनका मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा है, और एक बड़ी बात है कि लेडीज़ ने इस तरीके से हैदराबाद में, क्योंकि इस तरीके का ट्रेंड हैदराबाद के अंदर थी कि कोई भी लेडीज़ इस तरह फूड का स्टॉल लगा जिस पर काम भी खुद करे, तो एक अच्छी बात है और लोगों को इसको सपोर्ट करना चाहिए, आना चाहिए, एटलीस्ट वन टाइम इनका टेस्ट आपको ज़रूर करना चाहिए।